कोरोना कहर के बीच आजकल जिस चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के चलते कईयों को जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। इसी कमी को देखते हुए पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया गया है। इस प्लांट के शुरू होने में सबसे खास बात यह है कि इसे मात्र 11 दिनों में ही तैयार कर लिया गया है। 150 लोगों की मदद से 90 दिनों में तैयार होने वाला ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ 11 दिनों में लोगों की सेवा देने के लिए तैयार है। 2 दिनों में लगभग 30 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन इस प्लांट से मिलने लगेगी। जहाँ तो सर इसमें प्रोडक्शन ही इनका 3,500 से 4,000 सिलेंडर है। अब इसमें कितने आदमी का कहाँ का सप्लाई होगा ये मैनेजमेंट को मालूम होगा। और जो तैयारी है प्लांट का वो हम लोग को मैनेजमेंट ने बोला और सब बोला चालू करना है प्लांट को, वो हिसाब से टीम लगा के रात दिन करके चालू की है। 3.5 साल से प्लांट बंद था और काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। इसमें सामान भी काफ़ी जगह से आए, मुंबई से मंगाए, दिल्ली से मंगाए, यहाँ इंदौर लोकल से आए, सब पूरा टीम की इसमें प्रयास है। इतना जल्दी हो गया 3.5 से 4 दिन। क्या लग रहा है सर, इस तरीके की जो ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में आ रही है और उसको क्या हम अपन भर पाएंगे? ज़्यादातर तो अपन संभव है यहाँ से हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 3.5 से 4 हज़ार सिलेंडर 24 घंटे का प्रोडक्शन है, तो उसके हिसाब से तो कोई तकलीफ नहीं पड़ेगा। प्लांट को शुरू करने में मुख्य भूमिका जिला प्रशासन और उद्योग विभाग की रही है। प्रशासन ने सभी जरूरी मंजूरियां तुरंत प्रभाव से जारी की गईं। इसके लिए कंपनी के मालिक ने भी 40 लाख रुपए खर्च किए और मुंबई से ऑक्सीजन मीटर साथ ही अहमदाबाद से दूसरी मशीनें मंगवाईं। पूरे मामले में प्लांट हेड निर्मल तोमर ने बताया कि पिछले 3 साल से बंद पड़े प्लांट को जल्द से जल्द शुरू करना काफी बड़ी चुनौती थी। प्लांट शुरू करने के लिए अहमदाबाद और मुंबई से टेक्नीशियन बुलवाए गए और तमाम चुनौतियों से पार पाकर मुकाम पर पहुंचा गया। प्लांट का ट्रायल किया गया है। प्लांट में 24 घंटे जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई व्यवस्थित रूप से हो सके। सबसे पहली बात तो एक कड़ी मशक्कत लगी और एक हमारा जज्बा था। इस प्लांट में सर्वे करने के बाद हमने 5 से 6 दिन में इस प्लांट को जो चालू किया है, तमाम मशीनों और लेबर की जरूरत पड़ी थी, लेबर को भी अलग अलग जगह से, इंजीनियर्स को अलग अलग जगह से बुलाया गया, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली और बॉम्बे से। मशीन्स के पार्ट्स भी हमने अलग अलग जगह से बुलवाए हैं, जिसमें शासन स्तर पर बॉर्डर क्रॉसिंग और कोविड के कारण आप जानते ही हैं कितना परेशानियों का सामना पड़ा, लेकिन इन सबको लेके हम लोगों ने सारे कंपोनेंट बुलवाए, 8-8 घंटे के लेबर के हिसाब से 150 लोगों की टीम बनाई, कभी किसी लेबर को 24 घंटा काम नहीं कराया और एक टाइम मैनेजमेंट हुआ, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि अभी इस स्थिति में, आज की दिनांक में ये स्थिति सक्सेसफुल है। सर कब से चालू हो जाएगा सप्लाई और क्या लग रहा है कि हद तक के अपन ये जो कोरोना महामारी की से जो हो रही है मौत उसको रोक पाएंगे, रोकने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, कोरोना महामारी तो एक तमाम समय से चलने वाली बीमारी है, लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो रहे सबसे इम्पोर्टेंट। अभी हम ये चाह रहे हैं कि ये प्लांट कम से कम 30 टन सिलेंडर, 30 टन का ऑक्सीजन जो है पर डे डिसाइड करेगा, जिससे कि 3600 से 4000 सिलेंडर पर डे जाएंगे। अब ये शासन स्तर का मामला है कि वो इंदौर, पीथमपुर, धार, इसके आसपास के जिले या अन्य राज्यों में भी इस सिलेंडर को कहां से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये शासन स्तर से डिसाइड हो जाएगा। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 3 में स्थित ये ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा था। इसको शुरू करने में महीनों का समय लग सकता था, लेकिन कोरोना के लगातार कहर के चलते प्लांट को चंद दिनों में ही कड़ी मेहनत करके प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए तैयार कर दिया गया। इसके लिए यहां काम करने वाले कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पीथमपुर से लोकेश राठौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।